हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बताऊँ कैसे आप इस तरह की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपनी फोटोज़ में गाइस, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपको स्क्रीन फोटो की जो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो रही है, और आप भी अपनी फोटोज़ को सेम एज इट इज़ ऐसी एडिट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे दिखा दो कि ये फोटो पहले कैसे, सो गाइस आप स्क्रीन में देख सकते हो पहले ऐसे जो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोटो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको ऐसे, और आप भी अपनी फोटोज़ में सेम कलर ग्रेडिंग कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर आप ऐसी खुद की फोटो को एडिट करना चाहते हो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो गाइस, ठीक है। तो या गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पे मैंने लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन करके कैसे किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइटरूम की जो एप्लीकेशन है कैसे किया, उसमें एक फ़ोटो इंपोर्ट कर रखी है। और गाइस अगर आपके फ़ोन में लाइटरूम की एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से लाइटरूम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए कैसे, उसके बाद आपको अपनी खुद की फ़ोटो को इस तरीके से इंपोर्ट करना है। गाइस देख सकते हो मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर दी कैसे किया, और उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर इस ऑटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना, जैसे क्लिक करो गाइस जो भी कलर वगैरह ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपको जाना है इस कलर वाले ऑप्शन पे, जैसे नीचे आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है कलर वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे जो वाइब्रेंस है हल्की से इंक्रीज करनी वाइब्रेंस। एंड उसके बाद आपको जाना है इस मिक्स वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे गाइस ऑरेंज कलर का, इस पर क्लिक करना है। एंड सैचुरेशन थोड़ा सा कम करना है, यानी मैच करना है 20 के आसपास, जिसके फेस थोड़ा वाइट हो जाए, तो मैंने कर लिया इतना। एंड उसके बाद क्या करना आपको, इस येलो कलर के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एंड इसका जो ह्यू एकदम माइनस करना है, ठीक है। एंड सैचुरेशन को एकदम प्लस करना है, यानी ह्यू एकदम माइनस 100 एंड इसका सैचुरेशन एकदम प्लस 100। एंड उसके बाद सेम जाना आपको इस ग्रीन कलर के ऑप्शन पे, इसका भी सेम करना है, ह्यू एकदम माइनस एंड सैचुरेशन एकदम प्लस 100। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस लूमिनस का ऑप्शन उसको हल्का सा इंक्रीज़ कर दीजिए, लूमिनस को 20 के आसपास रख लीजिए। एंड उसके बाद आपको करना है इस डार्क ब्लू कलर पे आना गया, ठीक है। एंड क्या करना है, इसका जो कलर है इसको माइनस करना है, ठीक है। यानी इसका जो ब्लू है, जो इसका ह्यू है, ठीक है, ब्लू कलर का जो ह्यू है इसको 56 रखना है, ठीक है। एंड सैचुरेशन आपको देख लेना है, इसको थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है, 49 के आसपास। एंड लूमिनस को भी हल्का बढ़ा लेना है 50 के आसपास। इतना करने के बाद डन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको एक स्टेप और देखना है, ठीक है। तो पहले फोटो को सेव कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप और है, वो क्या है बता दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो सेव कर लेते हैं। फोटो सेव कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस सेव वाले ऑप्शन में जाकर इस सेव टू डिवाइस। और गाइज ये फोटो सेव हो रही है, इसकी फोटो सेव हो गाइस, फोटो सेव हो चुकी है। उसके बाद क्या करना आपको, जो लाइटरूम की जो एप्लीकेशन में जो ये फोटो हमने जो एडिट कर रखी गाइस, ठीक है, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इसको लाइटरूम की एप्लीकेशन डिलीट कर दीजिए गाइस, ठीक है। यानी कि ये लाइटरूम की एप्लीकेशन से वो फोटो डिलीट हो चुकी है जो गाइस अभी हमने एडिट की थी। उसके बाद आपको क्या करना है, उस फोटो को फिर से ऐड करना है, यानी कि हमने फोटो सेव कर रखी गैलरी में गाइस, ठीक है, वो फिर से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड उस फोटो को फिर से ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो ये रही फोटो गाइस, ठीक है, ये फोटो को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, फोटो ऐड कर ली मैंने गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, दिखा दो फोटो को। तो ये मेरी फोटो हमारी जो हमने डिलीट करी थी, फिर से ऐड कर ली फोटो गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, इस प्रीसेट को लेना है, ठीक है। इस प्रीसेट का जो लिंक मैंने दे रखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको इस प्रीसेट को डाउनलोड करना है गाइस, ठीक है। उसके बाद इस प्रीसेट को भी इंपोर्ट कर लीजिए अपनी लाइटरूम की एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके बाद इस प्रीसेट की सेटिंग कॉपी करनी है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग करना है, टिक पे क्लिक करना है। इस प्रीसेट की सेटिंग कॉपी हो जाएगी एंड इस फोटो में जाना गाइस, ठीक है, अपने फोटो में जाना है। एंड उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग करना है। एंड गाइस देख लीजिए फोटो में अमेजिंग कलर ग्रेडिंग आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, नीचे इस स्क्वायर वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, एंड स्प्लिट टोन पे जाना है, ठीक है। एंड इसको जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा मैं येलो कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्का उसको येलो कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं इसको बैलेंस कर लूँगा हल्का सा, तो आप देख लीजिए। तो गाइस फोटो अमेजिंग दिख रही है, डन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर ऑप्शन पे आपको एक विगनेट का ऑप्शन मिलेगा, उसको माइनस करना है, विगनेट कम करना है, ठीक है। जैसे विगनेट कम करूँगा ना, तो गाइस फोटो में काफ़ी अमेजिंग लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिड फ्रंट को थोड़ा मैं थोड़ा कम कर लूँगा इस तरीके से, एंड फर्दर को भी थोड़ा सा मैं इतना कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए फोटो अमेजिंग दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना गाइज, उसके बाद आपको इसे ट्राइंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एंड उसके बाद इसकी शार्पनिंग हल्की से इंक्रीज़ करनी, शार्पनिंग जैसे इंक्रीज़ करोगे यहाँ पे गाइज, ठीक है, तो फोटो में शार्पनेस आ जाएगी यहाँ पे। तो उन्हें शार्पनिंग इंक्रीज़ कर लीजिए एंड
नॉइस रिडक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी इंक्रीज़ कर लीजिए। एंड यहाँ पे नीचे एक कलर नॉइस रिडक्शन दिख रहा है, इसको भी इंक्रीज़ कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो फेस में स्मूथनेस आ जाती है, ठीक है, तो इसको डेफिनेटली ट्राई करना है, ठीक है आपको। और उसके बाद देखिए फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है ऐसे, यहाँ पे पहले दिखा दूँ एंड आफ्टर। तो गाइज़ इस तरीके से अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो गाइज़, ठीक है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और फोटो को सेव करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली सेव वाले ऑप्शन क्लिक करना होता है, सेव डिवाइस, और गाइज़ आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। सो या गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो और वीडियो के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड जो साइड में बेल का नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ निक टेक्निकल।